हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बेल स्लिप की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो इससे पहले भी हमने बेल स्लिप की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो लेकिन वो तरीका हमारा कुछ अलग है और ये तरीका हमारा कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट के बारे आपको बताते हैं कि मेजरमेंट हमारा कितना है। तो बेल स्लिप के लिए हमें दो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक लंबाई और दूसरा कोहनी। तो लंबाई हमारी है 17 इंची और कोहनी हमारी है 10 इंची। तो ये दो मेजरमेंट हमारे हो गए, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कपड़ा हमने लिया है जो कि हमारा डबल लेयर में है इस तरीके से। तो इसे हम एक लेयर और बिछाएंगे इस तरीके से। तो ध्यान दें दोस्तों, ये ऊपर वाला हिस्सा हम काट रहे हैं जिसकी लंबाई हमें 10 इंची तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम एक मार्क देंगे, उसके बाद हम 3 इंची का मार्क एक और लगाएंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारी ऊपर की जो लंबाई हमें खड़ी करनी है वो 10 इंची खड़ी करनी है। तो 10 इंची में हम 1 इंची और प्लस करेंगे तो ये 11 इंची हो जाएगा। तो इस मार्क से हम 11 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। अब हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ही लगाएं। तो यहाँ पर हमने आर्म होल का मार्क लगा दिया। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे और नीचे की जो ये हमारी मोहरी होगी वो होगी 10 इंची की। तो यहाँ पर हम 10 इंची का आधा लेंगे, 5 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये सभी मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसे मार्क से ही काटेंगे। 1 इंची के हम यहाँ पर साइड में मार्जिन रखेंगे, यहाँ पर बीच में कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे। अब सामने की तरफ हम यहाँ पर 1.5 इंची की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे ऊपर के बाकी कटिंग हो गई है। अब हम बेल की कटिंग करेंगे। तो नीचे की बेल के लिए हमने ये 1/2 मीटर का कपड़ा लिया है जिसे हम 8 लेयर में बिछाएंगे। तो हम आपको दिखा दें किस तरीके से हमें बिछाना है। तो दोस्तों, ये कपड़ा हमारा इस तरीके से बिछेगा और इधर हमारा गोलाई वाला हिस्सा है। तो इसे हम एक लेयर और करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में हो जाएगा। तो ये 2 लेयर हो गए और 2 लेयर हमारे नीचे में हो गए। तो इसे हम एक लेयर और करेंगे तो ये हमारे 8 लेयर में बिछ गया है। ठीक है दोस्तों, 8 लेयर में हमने कपड़े को बिछा लिया है, 1, 2 और इधर हमारा हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 लेयर में हमारा ये कपड़ा बिछाना है और कपड़े को हम इस तरीके से कोने में रखेंगे। अब हम आपको बता दें कि ये हमारी मोहरी थी 10 इंची, तो यहाँ पर भी हमें 10 इंची से खड़ा करना है। तो 10 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा 2.5 इंची आएगा। तो यहाँ पर हम 2.5 इंची में एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हम 1/2 इंची ऊपर की तरफ कटिंग करेंगे क्योंकि 1/2 इंची हमारी यहाँ की मार्जिन दब जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आपको बता दें कि ऊपर की लंबाई जो हमने निकाली थी वो निकाली थी 10 इंची और हमारे हाथ की जो लंबाई है वो है 17 इंची। तो नीचे की हम जो बेल की जो लंबाई निकालेंगे वो निकालेंगे 7 इंची। तो किस तरीके से हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम नीचे दबने की मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में हम इस तरीके से इसकी गोलाई देंगे। तो ये हमारी गोलाई हो गई है। अब इसे हम
मिला देंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे नीचे की बेल की कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और देखिए ये हमारा भी आकार आ जा रहा है। तो अब हम इसे हल्की सी यहाँ पर गोलाई देंगे। देखिए इसे ज़्यादा नहीं छाटना है, नहीं तो हमारी ये मोहरी बढ़ जाएगी। एकदम हल्की सी खाली गोलाई देनी है। अब हम इसे खोल कर आपको दिखा दें ये हमारी किस तरीके से कटी है। तो ये हमारी इस तरीके से कटी है। अब हम इसे सिलाई करके आपको दिखाते हैं किसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो सिलाई करने से पहले हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बेल को नाखूनी मोड़ेंगे और उसके बाद हम इसे स्लीव के साथ अटैच करेंगे। पहले हम एक पल्ले को हटाते हैं और इसे उल्टे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम हल्का से इसे मोड़ेंगे। तो चलिए मोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और जो हमारा कुछ कपड़ा कहीं पर ज़्यादा रह गया है तो उसे आप कटिंग करके निकाल दें। तो इस तरीके से आप इसे हल्का हल्का कटिंग करके निकाल दें। तो हमने कटिंग करके ये कपड़ा इस तरीके से सेव कर दिया है। अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम हाथ की सिलाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा हाथ। इसे हम इस तरीके से अच्छी तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो ये हमने हाथ की भी सिलाई इस तरीके से दे दी। अब हम इसे पलटेंगे और बीच में हम यहाँ पर एक कट देंगे। तो ये हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमने सीधा इस तरीके से ले लिया है। ये जो हमने कटिंग करने समय यहाँ पर एक मार्क दिया था और एक मार्क हमने यहाँ पर दिया था, हम अच्छे तरीके से आपको दिखा दें। यहाँ पर हमने एक मार्क दिया था, एक मार्क हमने यहाँ पर दिया था। तो ये कट को हम इस मार्क के पास में इस तरीके से रखेंगे और ये जो हमारा जो जोड़ है इसे हम यहाँ पर लाकर मिलाएंगे। तो चलिए लगाते हैं हाथ को। हाथ को भी हमने इस तरीके से सीधा लेना है और इसे हम इस तरीके से जो हमारा कट लगा हुआ है इस कट को हम इस मार्क के पास में रखेंगे और यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से पकड़ेंगे और इधर हम पलट लेंगे पीछे की तरफ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पीछे की तरफ पलट लेना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। इस तरीके से हमें पलट लेना है और ये कट को और ये मार्क को हमने मिलाकर इसमें हम सिलाई देंगे। चलिए करते सिलाई। तो देखिए दोस्तों, हम एक बार अच्छी तरीके से आपको दिखा दें कि ये सिलाई हम किस तरीके से दे रहे हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने बाँह की सिलाई करनी है उसी तरीके से हमने इसे लिया है गोलाई में। देखिए दोस्तों, ये जो जोड़ हमारा आ रहा है बाँह के पास में इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे।
तो देखिए दोस्तों, हमने ये सिलाई इस तरीके से कर ली है। अब हम इसे पलट कर दिखाते हैं कि ये सिलाई हमारी किस तरीके से हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये बेल स्लीव हमारी बन गई है और काफ़ी इसमें हमारा नीचे घेरा भी अच्छा आ गया है और ये काफ़ी अच्छी बेल स्लीव बनी है। और ये बेल स्लीव बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।